मिशेल, आपकी दोस्त और आपकी इंग्लिश कोच। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की, जिसमें हम सीखेंगे हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में इंग्लिश में बात करना। तो दोस्तों, हम इस लेसन में अलग अलग सिचुएशंस के लिए सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप क्या कहेंगे, या फिर अगर आपको अपने सिम्टम्स यानी अपने लक्षण बताने हैं बीमारी के तो आप क्या कहेंगे। हम शुरुआत करेंगे अपॉइंटमेंट के साथ। तो जब आप पहली बार किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको अक्सर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। वो तो ऑब्वियसली आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर्स काफ़ी बिजी लोग हैं। अपॉइंटमेंट लेते समय आपको रिसेप्शनिस्ट के साथ डेट और टाइम फिक्स करना होता है। उसके लिए आप कुछ ऐसे बात कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, आई वुड लाइक टू मेक एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर टुडे। गुड मॉर्निंग, मुझे आज डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। अब इसका जवाब आपको कुछ ऐसे मिल सकता है, द डॉक्टर इज बिजी दिस मॉर्निंग बट ही इज फ्री दिस आफ्टरनून, इज 2 o'clock ओके। माफ कीजिएगा, डॉक्टर आज सुबह बिजी हैं पर दोपहर को फ्री हैं, क्या 2 o'clock आपके लिए ठीक है? यस, प्लीज बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर 2 p.m. हाँ जरूर, 2 o'clock के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। ओके, सो 2 p.m. दिस आफ्टरनून विद डॉक्टर अग्रवाल, सही है? तो आज 2 o'clock आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है डॉक्टर अग्रवाल के साथ। यस, दैट्स करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखे हैं कुछ सेंटेंसेस जिनको यूज करके आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। तो जब आप डॉक्टर से 2 o'clock एक्चुअली मिलेंगे तो वो ज़रूर आपसे आपके सिम्टम्स पूछेंगे। अब सिम्टम्स होते क्या हैं? वेल, आपकी बीमारी के लक्षण जैसे सर दर्द, पेट दर्द, बॉडी पर रैशेस या फिर जुखाम और खांसी, इस तरह की चीज़ों को हम सिम्टम्स कहते हैं। तो आपसे सिम्टम्स पूछने के लिए डॉक्टर कुछ ऐसे सवाल करेंगे, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ, या वो कह सकते हैं व्हाट्स द प्रॉब्लम, आपको क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर योर सिम्टम्स, आपकी बीमारी के क्या लक्षण हैं। तो इस तरीके से दोस्तों डॉक्टर आपसे आपके सिम्टम्स पूछेंगे। अब बात करते हैं डॉक्टर को अपनी परेशानी बताने की। आप डॉक्टर को अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बता सकते हैं, आप कह सकते हैं आई हैव और उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे आई हैव एन अपसेट स्टमक, मेरा पेट खराब है, आई हैव अ वीजिंग कॉफ यानी मुझे सूखी और दर्द भरी खांसी है। दोस्तों याद रखिएगा, हम कफ नहीं कॉफ कहते हैं, फिर से बोलिए कॉफ, दैट्स राइट। आई हैव अ रैश ऑन माई नेक, मेरी गर्दन पर दाने हैं, और अगर आपके कमर में दर्द है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ बैड बैक। गला खराब है तो आप कहेंगे आई हैव अ सोर थ्रोट यानी आपके गले में दर्द है, या फिर आप कह सकते हैं आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। अब दोस्तों, जो लक्षण आपको बोलते समय उस वक्त हो रहे हैं उनके लिए आप ing लगाकर सेंटेंसेस बना सकते हैं कुछ ऐसे, आई एम हैविंग चेस्ट पेन, मुझे सीने में दर्द हो रहा, आई एम हैविंग ट्रबल स्लीपिंग, मुझे सोने में परेशानी हो रही है। इसका मतलब है कि आपको कम नींद आ रही है या आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बता सकते हैं कि इस समय आपको क्या लक्षण महसूस हो रहे हैं, आई एम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, मुझे सांस नहीं आ रही है, इसके लिए आप कहेंगे शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, माई मसल्स आर सोर, मेरे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। दोस्तों ये अक्सर तब होता है जब आप काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लक्षण हैं जो आपको उस समय नहीं हो रहे हैं पर बार बार होते हैं, उसके लिए आप आई गेट लगाकर सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि आई गेट अ शार्प पेन इन माई शोल्डर वेन एवर आई रेज माई आर्म, जब भी मैं अपनी बाजू उठाता हूँ तो मुझे कंधे में तेज दर्द होता है, या फिर आप कह सकते हैं आई समटाइम्स गेट थ्रॉबिंग हेडेक्स,
यानी मुझे कभी कभी लगातार धड़कती हुई सर दर्द होता है, यानी जो बार बार आपको महसूस होता है। अब जो चीज आप उस समय महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसको आप आई फील लगाकर बोलेंगे। आप कहेंगे आई फील लाइट हेडेड। जब भी मैं बैठकर उठता हूं तो मेरा सर चकराता है, तो सर चकराने को आप कहते हैं आई फील लाइट हेडेड। एक और, आई फील नॉशियस, मुझे कुछ उल्टी जैसा लग रहा है। अक्सर जब लोग लंबे समय तक बस में या गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उन्हें नॉशियस फील होता है। क्या आपको ये वर्ड पता था? एक और अच्छा फ्रेज, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मुझे तबीयत खराब लग रही है। इसका मतलब कि आपको जुकाम खांसी हो सकता है, थोड़ा फीवर हो सकता है। इसको कहने के अलग तरीके हैं, आई एम हैविंग अ रन डाउन, यानी जनरली आपको तबीयत खराब लग रही है। या फिर आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स, यानी तबीयत सही नहीं लग रही। अब दोस्तों, अगर आपको अपने शरीर के कुछ खास अंगों में कुछ महसूस हो रहा है, स्पेशल बॉडी पार्ट्स में, तो आप कह सकते हैं माय और उस जगह का नाम और फिर आपकी प्रॉब्लम। जैसे कि माय एंकल इज रेड एंड सोलन, मेरे एंकल लाल और सूजा हुआ है। सूजे हुए को हम इंग्लिश में कहते हैं सोलन। दोस्तों, इसमें W को हम प्रोनाउंस नहीं करते, हम कहते हैं सोलन, राइट? अब देखते हैं आप और कैसे बता सकते हैं अगर आपके बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। आप कह सकते हैं इट हर्ट्स व्हेन आई अप्लाई प्रेशर टू इट, जब मैं उस पर दबाव डालता हूं तो मुझे काफी दर्द होता है। माई स्टमक हर्ट्स, मेरे पेट में दर्द है। इसको आप माई स्टमक इज पेनिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी रॉन्ग ग्रामर है। माई नोज इज स्टफी, यानी मेरी नाक भरी हुई है। ये अक्सर तब होता है दोस्तों जब आपको कोल्ड होता है और आपकी नाक से आप सांस नहीं ले पाते, तब आप कहेंगे माई नोज इज स्टफी। दोस्तों, कभी कभी ऐसे होता है कि किसी बीमारी की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम महसूस हो रही है, जैसे कि आप उल्टी कर रहे हैं बार बार, तो उसके लिए आप कहेंगे आई हैव बीन वॉमिटिंग फॉर द लास्ट 12 आवर्स, मैं पिछले 12 घंटों से उल्टी कर रहा हूँ। बाय द वे दोस्तों, वॉमिटिंग के लिए एक और इंग्लिश वर्ड है, वो है थ्रोइंग अप, यानी उल्टी करना। आई हैव बीन वेकिंग अप इन द मिडल ऑफ एवरी नाइट, मैं हर रात के बीच में जागता रहता हूँ। आई एम रनिंग अ फीवर ऑफ 102 डिग्रीज, मुझे 102 डिग्री का बुखार है। अब इन प्रॉब्लम्स के सिवा दोस्तों, आपको और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि कभी गर्दन में चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आप कहेंगे अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने के लिए आई सफर्ड अ नेक इंजरी इन अ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट लास्ट ईयर, मुझे पिछले साल मोटरसाइकिल दुर्घटना में गर्दन पे चोट लगी थी। आई नेवर फुली रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट, मैं अपने एक्सीडेंट से कभी पूरी तरह से ठीक ही नहीं हुआ। और साथ ही में आप कह सकते हैं माई एलर्जीज आर किलिंग मी, अगर आपको कोई खास खाने से, कुछ करने से स्पेशल एलर्जी है, तो आप कहते हैं मेरी एलर्जी मुझको बहुत परेशान करती है। आइए अब सीखते हैं कुछ हेल्थ रिलेटेड इडियम्स, जिनको यूज़ करके आपकी इंग्लिश हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में डेफिनेटली ज़्यादा एडवांस साउंड करेगी। तो आज की पहली इडियम है एट डेथ्स डोर, यानी मौत के दरवाजे पर, यानी मृत्यु के बहुत करीब। द सेल्स मैनेजर वॉज At death's door after his heart attack. Sales manager दिल के दौरे पड़ने के बाद मौत के दरवाजे पर था। आप कह सकते हैं blackout. Blackout का मतलब होता है होश खोना या बेहोश हो जाना। The boxer blacked out after being hit by the other boxer. दूसरे खिलाड़ी के चपेट में आने से मुक्केबाज बेहोश हो गया। ये थोड़ा कॉमेंट्री की तरह साउंड कर रहा है। या आप कह सकते हैं catch cold, यानी सर्दी लगना, जुखाम या नज़ला होने को हम कहते हैं कैच अ कोल्ड। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको सेंटेंस अच्छे से आना चाहिए। आप कह सकते हैं आई कॉट अ कोल्ड लास्ट वीक एंड हैड टू मिस 4 डेज ऑफ वर्क, मुझे पिछले हफ्ते जुखाम हुआ और मुझे 4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी काम से। दोस्तों, याद रखिए, अगर आप पास्ट में बोल रहे हैं तो आप कहेंगे आई कॉट अ कोल्ड। अब बात करते हैं कम डाउन विद समथिंग की। इसका मतलब है कि आप किसी बीमारी से
ग्रसित हो गए हैं, जैसे कि माई नीस केम डाउन विद अ कोल्ड एंड वॉज अनएबल टू विजिट मी लास्ट वीक. मेरी भतीजी ठंड से बीमार हो गई थी और पिछले हफ्ते मुझे मिलने नहीं आई थी. एक और इम्पॉर्टेंट फ्रेज है फ्लेयर अप. फ्लेयर अप होता है जब आपकी कोई बीमारी बहुत अचानक से शुरू हो जाए और फिर से बढ़ जाए. इसको हम कह सकते हैं भड़कना, जैसे कि माई मदर्स स्किन प्रॉब्लम फ्लेयर्ड अप व्हेन शी यूज्ड द न्यू हैंड सोप. मेरी माँ की स्किन प्रॉब्लम अचानक से ही बहुत बढ़ गई जब उन्होंने नया साबुन का उपयोग किया. और अगर आपकी तबीयत बहुत अच्छी है, वेल आई होप आपकी तबीयत अच्छी ही रहे, तो आप कहेंगे इन द पिंक, यानी बहुत अच्छे स्वस्थ होना, ओके, या फिर बहुत अच्छे स्वास्थ्य में होना, तो उसको आप कहेंगे माई ग्रैंड मदर इज़ इन द पिंक ऑफ हेल्थ. मेरी दादी बहुत अच्छे स्वास्थ्य में है. थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए. आई होप आज के लेसन में आपने जो सीखा उसको आप यूज़ कर पाएंगे अपनी या किसी और की हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए. मेरी उम्मीद यही है कि आप अच्छे स्वास्थ्य में रहें एंड यू स्टे इन द पिंक ऑफ हेल्थ. आई विल सी यू सून इन अनदर लेसन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.